जवान समय में मौत का कफन बांध के उसको रवाना करता है माँ भी, भी, भी कहती है पिता भी कहता है मेरा बेटा वापस जल्दी आएगा क्या पंजाब के अंदर एक फोर्टी सेवन नार्को टेरिज्म आता है क्या पंजाब के लोग करते हैं क्या आए पाकिस्तान सामने पाकिस्तान ने दीनानगर की घटना की थी ना पाकिस्तान ने पठान की की घटना थी ना जवाब दिया ना में सही मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए बने हुए बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त ऑल इंडिया टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन बिट्टा साहब स्वागत है आपका सबसे पहले तो ये जो आतंकी हमला हुआ तीन अफसर शहीद हुए बैक टू बैक हमले हो रहे हैं कब तक ये सब चलता रहेगा कैसे इन आतंकियों को पनाह लगातार मिलती जा रही है कि ये कश्मीर में आकर लगातार माहौल खराब करे और ऐसे एरिया को ढूंढ रहे हैं जहां पर ये टॉप पोजिशन पे रह पा रहे हैं देखो मैडम एक बात है पहले तो जो जवान अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध के घर से निकले थे उनकी शहादत को हम सलूट करते हैं वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती अभी थोड़ी देर पहले मैं नासिर साहब साहब की कुछ बात सुन रहा था बख्शी के ऊपर जिक्र कर रहे थे कि जनता पार्टी से सवाल से सवाल सवाल पूछिए पूछिए फलाने ना बख्शी साहब पॉलिटिशियन है ना मैं पॉलिटिशियन हूं ठीक है ना मैं पुराना कांग्रेस ही रहा हूं मैं राजनीतिक नहीं हूँ आजाद विचारधारा से बख्शी साहब भी और हम आजाद विचारधारा के लोग हैं मुझे एक चीज बताइए कि जब मौत का कफन बांधने के वक्त जब अपनी माता को अपने पिता को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को जब जवान आखिरी समय में मौत का कफन बांध के परिवार उसको रवाना करता है माँ भी कहती है बच्चे भी कहते हैं पत्नी भी कहती है पिता भी कहता है मेरा बेटा वापस जल्दी आएगा पर हमारा बहादुर जवान मौत का कफन बांध करके ये निकलता है अपने दिल के अंदर से आवाज होती है मैं अपनी माँ अपने पिता अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ आऊंगा ये मन में विचार होता है पर अपने माँ बाप को पत्नी को नहीं बताता और शहादत का जाम पी जाता है जहां तक तीन धारा की बात की बात करें मेरी बात स्पष्ट तौर पर सुन लें और मैं दिल से कह रहा हूं यह चीज को जब तीन धारा की चर्चा चलने से पहले क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होता था पॉलिटिकल पार्टियां बाद में है कोई बड़ी से बड़ी छोटी पार्टी हो वो बाद में है पहले प्रथम राष्ट्र होता है और क्या हमारे जवानों पे पत्थर नहीं फेंके जाते थे क्या जवानों पे गोलियां नहीं चलती थी कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का गांव है जहां रोज हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के बने तिरंगे झंडे में क्या लतपत खून से बॉडी नहीं आती थी कहती थी ना मैं बाबा मुफ्ताई, मुफ्ती मुफ्ती जी क्या कहती थी कहते थे तिरंगा झंडा जब कोई यहाँ लहराया जाएगा ये कश्मीर कश्मीर नहीं रहेगा ये पाकिस्तान के साथ हो जाएगा आज तिरंगा झंडा लहराया गया आज कानून बने ना जो आतंकवादियों की मदद करेगा उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर में लागू हुआ सवाल ये है हम पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर जाने की कोशिश ने, क्यों नहीं करते हम क्यों मौके को ढूंढते हैं हमारे जवानों की शहादत हो इनोसेंट लोगों में रस्ते में जाते हुए बिहार के यूपी के काम करने वाले को जहां कुछ नहीं जहां फोर्स नहीं उनको इनोसेंट लोगों को गोलियां का निशाना बनाया जाए हम इंतजार करते हैं और आपके चैनलों के अंदर हम डिस्कशन करके ये लोगों को बताना चाहते हैं अरे कश्मीर तो अभी ठीक ही नहीं हुआ कश्मीर के हालात तो अभी भी खराब है आपने मैडम एक चीज का सवाल कहा किया क्या बातचीत है मसला हल होगा कौन सी बातचीत किससे बातचीत होगी कब बातचीत नहीं हुई कब दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियां कश्मीर के अंदर बातचीत करने नहीं गई कब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरकार ने बात नहीं की क्या नरेंद्र मोदी जी क्या हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके क्या नवाज शरीफ को मिलने नहीं गए थे दुबई से किस लिए गए थे महात्मा गांधी जी का संदेश लेकर के हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी क्या नवाज शरीफ जी को नहीं बुलाया था क्या संदेश देना चाहते थे चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो आम आवाम से हमारी क्या दुश्मनी हम नया रास्ता अपनाना चाहते हैं हमने नया रास्ता अपनाया आज जी ट्वेंटी हुआ दुनिया आई दुनिया के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति आए आज जी ट्वेंटी आज पाकिस्तान बुखला चुका है आज आई एस आई बुखला चुकी है जी ट्वेंटी को देख के हिंदुस्तान की तरक्की को देख के और अभी भी कश्मीर के अंदर हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग फिर पॉलिटिक्स कर रहे बेटा साहब क्या ये वही बौखलाहट है जो जी ट्वेंटी के सफल आयोजन के बाद देखने को मिल रही है और टी आर एफ क्यूँकी ये वो संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है इस संगठन में कोई ऐसा नाम नहीं जैसे पहले जो नाम होते थे वो जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन ये सभी नाम होते थे लेकिन अब नाम ऐसा रख दिया है द रेजिस्टेंट फंड यानी कि ऐसा जताया जाए कि एक तरीके से विरोधी है उस पूरे संगठन में जो कि किसी तरीके का बदला लेने के लिए इस पूरे संगठन से जुड़े और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये टी को भी जरा समझाइए ये संगठन कैसे काम करता है इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए देखो मैं आपको चीज बताऊं ये कोई संगठन नहीं है चाहे पंजाब में खालिस्तानियों के खालिस्तान लिबरेशन फोर्स खालिस्तान कमांडो फोर्स जम्मू कश्मीर के कई संगठन ये कोई संगठन नहीं है संगठन इनके पीछे एक है आई एस आई एक ही संगठन फंडिंग वही करता है आपने देखा नहीं कश्मीर का कैनेडा के अंदर पन्नू ने एक तरफ यहां शांति की बात एक तरफ कनाडा में प्रदर्शन क्या पन्नू करता है क्या क्या पंजाब के अंदर एक के फोर्टी सेवन नार्को टेरिज्म आता है क्या पंजाब के लोग करते हैं क्या ये आई एस आई इन लोगों को पकड़ती है और लालच देकर के ये करती है नाम आ जाता है फलाना संगठन आए पाकिस्तान सामने पाकिस्तान ने दीनानगर की घटना की थी ना पाकिस्तान ने पठानकोट की घटना की थी ना जवाब दिया ना आज पाकिस्तान से आज तक बात तो नहीं हुई हमारी लाख जोर लगा लिया हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बुलाया क्या जी ट्वेंटी में अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आता है क्या बुलाया और बालाकोट के अंदर कब हमला हुआ जब पुलवामा के अंदर जब उन्होंने घात लगा के हमला किया बालाकोट में घुस करके उनको ठोक